नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी, और आज भी हमारे कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिससे हम कराएंगे आपको रूबरू और जानेंगे उनके बारे में। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जय नारायण चौकसी जी, जो कि एलएनसीडी के फाउंडर हैं। सर, बहुत स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर, शुरुआत आपके जीवन से करते हैं। पहले आपके बारे में जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या है आपकी पर्सनैलिटी, और आपके बारे में बताइए पहले जरा। देखिए, मैं बहुत छोटे गांव से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ है, पेंड्रा एक नाम है उस गांव का। वैसे वो अपने आप में बहुत खासियत रखता है, वहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियों ने नाम कमाया है। मैं तो बहुत छोटी जगह पहुँचा हूँ। मैंने वहाँ से निकलने के बाद रावर्सन कॉलेज जबलपुर से एमएससी किया, और एमएससी करने के बाद 71 में भोपाल आ गया। जब से लगातार भोपाल में, यहाँ आने के बाद मैंने 7 नौकरियाँ की हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं 16 साल नौकरी करने के बाद जिस दिन मैं MM2 प्रमोट हुआ उसी दिन मैंने बैंक से रिजाइन कर दिया था। सर, आपने 7 नौकरियां करी भोपाल आने के बाद, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक छोटी जगह से निकलने के बाद हम कोई बड़े शहर आते हैं ना, कहीं एक वो रहता है कि अब कैसे सरवाइव होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, हर किसी के दिमाग में होता है। तो आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था इसमें? देखिए, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो बच्चे हम लोग का रैगिंग होती थी, तो उस समय पूछते थे तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं केवल एक ही बात कहता था, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। ये मेरी मतलब शुरू से धारणा है कि कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो जो दूसरों से हटके हो। और उस समय जब मैं बैंक में भर्ती हुआ, तो मेरे से 6 महीने बाद प्रोफेशन खत्म होता है, तो मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया कि मेरा ट्रांसफर मेरे गांव में कर दिया। बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, तो मैं यहाँ मकान बनाने के चक्कर में, फिर मैंने कहा जब यहीं रहना है भोपाल में, तो फिर मैं मकान बनाने के चक्कर में धीरे धीरे करके बिल्डर बन गया। और बिल्डर बनने के बाद जब थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, आदमी तो पॉलिटिक्स की तरफ भागता है, तो मैं पॉलिटिक्स की तरफ भागने की कोशिश किया, पर वहाँ मुझे सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन, चूंकि मैं अर्जुन सिंह के बहुत करीब पहुँच चुका था, पटवाजी के भी करीब था, अर्जुन सिंह के, तो उन्होंने पूछा कि कोई तुम लोगों में से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ खोलेंगे। तो मैंने, तो हम लोग 4-5 लोग थे जो जिनको हम नौ धनाढ्य बोल सकते हैं, तो हमने सबने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया, मेरा प्रोजेक्ट सबसे पहले बन गया। उन्होंने बुला के बोला कि एक शर्त है कि स्टेट गवर्नमेंट की NOC चाहिए, और उस समय यहाँ स्टेट पटवारी आपकी सरकार थी। मुझे NOC मिल गई और कॉलेज खुल गया। सर, LNCT का सफर कैसा रहा? मतलब LNCT आज के टाइम में काफी बड़ा कॉलेज है और हर कोई जानता है, तो कितनी फ्रेंचाइजी हैं इस कॉलेज की, कहाँ कहाँ पर ये है, और भोपाल से सफर शुरू कैसे हुआ? मैंने बताया ना, पूरे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है LNCT। उसके बाद करीब करीब 2000 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, पर हम अपने स्थान पे अभी भी हैं, क्योंकि हमने कुछ चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि हमने स्कूल में ड्रेस, कॉलेज में हमने ड्रेस रखी, तो बहुत विरोध हुआ। हमने बस सर्विस बिल्कुल रखी कि बस को बच्चे को बस से ही आना पड़ेगा, अपनी गाड़ी से नहीं आ सकता। आज भी पिछले 27वां साल चल रहा है कॉलेज को खुले, पर ये स्थिति है। कॉलेज में टीचर्स, अनुशासन हमारी एक मेन पहचान है, कॉलेज अनुशासन हमारी मेन पहचान है, हम अनुशासन के कारण ही आगे हैं। हमने अपने कॉलेज में कभी नकल नहीं होने दी, और बिना पढ़े किसी को डिग्री नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिना पढ़े डिग्री लेके चले जाओ, ऐसा हमने एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं चलेगा किसी और को बिठा दिया। और एग्जामिनेशन में जब बैठने आता है ना बच्चा, अभी वो ड्रेस में नहीं है, जैसे ठंड के मौसम में ब्लेजर में नहीं है, तो उसको एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलेगा, उठा के भगा दिया जाएगा। तो ये कुछ अनुशासन में हम इतने वो थे कि जो भी नकल करते पकड़ा गया उसका UFM बना ही बना, चाहे कोई भी हो। कई बार लोगों मंत्रियों के फोन आया कि भैया ये ऐसा ऐसा देख लो, मैं कहता हूँ पहले उसका UFM बनाओ, फिर बाद में बात करेंगे। सर, ये तो कॉलेज की बात हो गई, इसके अलावा LNCT, इसके अलावा कहाँ कहाँ इसकी फ्रेंचाइजी है? 94 के बाद 96 में मैंने MPCT ग्वालियर खोला, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में मेरा नेटिव प्लेस है छत्तीसगढ़,
तो बिलासपुर में मैंने चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज, जेके इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ पर होम्योपैथी कॉलेज, मैंने सब मिला के आज की तारीख में करीब 42 कॉलेज में खोल चुका हूँ और एक यूनिवर्सिटी। क्या बात है सर। तो सर इतने सारे कॉलेज आपने खोले, और इसके अलावा आप कौन कौन से ग्रुप से जुड़े हैं? तो कॉलेज की बात होगी, हमने सुना है मेडिकल में भी आपका योगदान रहा है। बता करूँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं इस समय जो हमारे पास नहीं है, मतलब मेडिकल में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और MBBS। कई लोग पूछते थे इतने जैसे ऐसे कितने बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो, ऐसा कैसे के? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सभी को, कि जो कॉलेज का पैसा मैंने आज तक अपने परिवार के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया, कॉलेज का पैसा केवल कॉलेज में लगता है, इसीलिए 140 कैसे पहुँचे होंगे समझे। तो फिर एक मिनट प्रश्न कर दो, फिर आपका घर कैसे चलता है? तो मैंने कहा कि मैं कॉलोनाइजिंग की मैंने 10 साल 12 साल, तो उनसे जो मेरे प्लाट मैंने बेचे और अभी भी मेरे पास पांच करीब 50 प्लाट हैं, एक प्लाट बेचता हूँ, पहले मैंने 12 रुपये स्क्वायर फीट में बेचे थे, आज मैं 4000 रुपये स्क्वायर फीट में बेचता हूँ, एक प्लाट बेचता हूँ, पूरे साल मेरा पूरा परिवार ऐसे खाता है, अच्छा रहता है, तो इसे कॉलेज बढ़े। फिर मतलब यहाँ मान सकते हैं हम कि अगर इंसान चाहे तो एक शून्य से शिखर तक का सफर आराम से सफर तय कर सकता है, और आप एक उसके लिए चाहत होना चाहिए बस। हाँ, आप उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी हैं। तो सर यहाँ पे आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सब चीजें हो गई प्रदेश की और देश की, इसके अलावा बाहर भी हम सुना है कि विदेश में भी आपकी जो है फ्रेंचाइजी। हम लोगों ने 3 कंट्री से वो किया है, कोलैबोरेशन किया है, अभी कर्गिस्तान में हमारा पहला मेडिकल कॉलेज खुल गया है, एलएन मेडिकल कॉलेज, और अभी बाकी जगह भी प्रयास कर रहे हैं, दूसरा मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की हैं कि जैसे गवर्नमेंट MCI से परमिशन वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे बने हैं, पिछले आप हम जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं पिछले 10 साल से जो हमारे यहाँ जो मरीज भर्ती होता है उसको खाना फ्री, दवाई फ्री, सब कुछ फ्री है। तो इतने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो, कहाँ से देते हो? तो मैंने कहा ये जो बच्चे हम लोग को फीस देते हैं ना, इन बच्चों से, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को पेशेंट चाहिए, पेशेंट के बिना वो पढ़ ही नहीं सकता, और हमको ढूंढ ढूंढ के पेशेंट लाते हैं, पूरे साल भर पेशेंट ढूंढते रहते हैं। यहाँ से इस समय 400 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं बचा है जहाँ से हमने लाकर उनका इलाज ना किया हो, फ्री इलाज। तो लोगों को लगता है कि ये केवल MCI की नाप्स पूरा करने के लिए करते हैं, नहीं, हम उनको इसलिए लाते हैं कि क्योंकि पैसा दे के कोई अपने डॉक्टर पर प्रयोग नहीं करने देगा। यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और भर्ती हो जाएं और वहाँ आप पैसे दे के भर्ती होंगे तो कोई आपसे आके आप नर्स होना चाहेगा तो आप नहीं छोड़ने देंगे, वो फ्री के जो पेशेंट होते हैं वही, उन्हीं पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कोरोना काल में तो हमने ऐसा ऐसा भुगता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आया कि मेरे यहाँ 500 पेशेंट भर्ती थे, 450 जे के हॉस्पिटल, 450 लोगों को ऑक्सीजन लगी थी और 50 लोगों को वेंटिलेटर लगा हुआ था, और रात के 2:30 बजे पूरा हमारा परिवार वहीं लगा हुआ था। रात के 2:30 बजे बेटे का फोन आता, पापा बहुत बड़ी हालत खराब है, रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पापा ऑक्सीजन नहीं, अपने पास 10 सिलेंडर बचे, एक सिलेंडर 8 मिनट चलता था कुल, समझे। तो मैंने कहा घबराने की बात नहीं, हमने कलेक्टर साहब से बात की, त्रिपाठी साहब से बात की और जो भी लोग, और लास्ट सिलेंडर जो बचा था ना 8 मिनट, तब हमारे पास ऑक्सीजन आ गए, अनेक्स ने सप्लाई कर दी, नहीं तो कम से कम 250 पेशेंट मरते। सर ये कोरोना काल की जो आपने जिक्र किया है अभी, अगर इसको हम देखें तो किस तरीके से देखें, क्या मतलब उस टाइम आपने क्या किया? अभी से ज्यादा अभी जो डेथ हुई है ना, मेरे हिसाब से तो अभी से लोग ज्यादा लोग डर के मरे, केवल डर, बीमारी उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक डर था। एक मैं छोटा सा उदाहरण बता दूं, मेरे एक मित्र का फोन आया कि मेरे पिताजी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने कहा अस्पताल ले जाओ, वहाँ अस्पताल आया हमारे अस्पताल में, मैंने कहा इनका RT-PCR करा दो, उसकी रिपोर्ट आने में
जब तक पॉजिटिव नहीं आते तब तक आप उनको भर्ती नहीं कर सकते। तब RT-PCR के दो दो तीन घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा कि इनका इसी तरह CT scan वगैरह करा लो, पता चल जाएगा कितना। वो बैठे बैठे वहाँ पर करीब आधे पौने दो घंटे में CT scan में नंबर आने वाला था, वहीं कलप्स हो गए। मैंने केवल डर से, कोई बीमारी नहीं थी, केवल डर से कि लोग कह रहे थे ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। और सही, ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है, मगर आज नहीं। हॉस्पिटल क्या बता रहे हैं सर, हॉस्पिटल में आपने इतना कुछ देखा, आपने 500 लोगों को जो है ऑक्सीजन के लिए तरफ से देखा वहां पर, आप उसी टाइम पर अवेलेबल कराना, वो चीज बहुत मेहनत लग का काम है। बहुत तभी हमने तुरंत सोचा कि हम ऑक्सीजन प्लांट अपना खुद डालेंगे, और हमने दो दो ऑक्सीजन प्लांट डाल लिए। हम मैं सोचता हूँ भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल में पहला हमारा ऑक्सीजन प्लांट डल गया। सर यहाँ पे देखा जाए तो कोरोना काल जिस तरह से ऑक्सीजन बता रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या देखा कोरोना काल में आपने? कोरोना काल में मैंने बताया ना आपको, ज्यादातर लोग डर से मरे, बाकी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, लाश से नहीं मरे, मगर डर से।